के जम्मू कश्मीर के जहां पतराल में एक शख्स ने फायरिंग की है। बाजार में सरेआम उसकी तरफ से फायरिंग की गई। रफीक अहमद डाडा पर यह फायरिंग हुई है। नाजुक हालत में वो अस्पताल में भर्ती है। तो बाजार में सरेआम फायरिंग की गई है एक शख्स की तरफ से। रफीक अहमद डाडा नाम का ये शख्स है जिस पर फायरिंग की गई है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के तराल का ये मामला है जहां पतराल में एक शख्स ने फायरिंग की। यूनुस खालिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिक, क्या ये मामला था और उसकी हालत अब कैसी बताई जा रही है? अभी देखिए, जो रफीक अहमद दादा है इस पर पिछले, ये पहले एक फॉर्मर मिलिटेंट था, उसके बाद ये सरेंडर हुआ था। तो 2015 में भी मिलिटेंट ने इस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद ये जख्मी हुआ था और उसको हॉस्पिटल रेफर करके फिर एक महीने में हॉस्पिटल में था। बिल्कुल, वाकई यूनुस काफी गंभीर मामला है।